उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ भीम आर्मी के बैनर तले सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर प्रतापनगर थाना अधिकारी सहित पुलिस कर्मियों की बर्खास्तगी को लेकर आईजी अजय पाल लांबा को ज्ञापन दिया गया। लेकिन इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पहले से ही हिमांशु सिंह राजावत को एपीओ किया जा चुका है और मामले में लिप्त सभी पुलिस कर्मियों पर दर्ज मुकदमे में जांच भी चल रही है। प्रदर्शन के दौरान मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि हिमांशु सिंह राजावत ने सर्व समाज और अन्य समाज को उकसाते हुए उनके समर्थन में ज्ञापन दिलवाया, जबकि हिमांशु सिंह राजावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख ज्ञापन नहीं देने की अपील की थी। कार्रवाई एमवी एक्ट के तहत करनी थी, न कि 151 में। यह आरोप अधिवक्ताओं का था। आपको बता दें कि रविवार को उदयपुर न्यूज ने खाकी बनाम काला कोट तो सिर्फ खाकी पर ही क्यों चोट नाम से खबर को पूरी निष्पक्षता और खोजी पत्रकारिता के साथ प्रसारित किया था। खबर में उस घटना के दौरान शामिल अन्य युवक ने भी अपनी आपबीती सुनाई थी। खबर में पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करने के साथ मुकदमा दर्ज होने का हवाला भी दिया गया था। वहीं यह बात भी बताई गई थी कि हिमांशु सिंह राजावत की अपील के बावजूद भी कुछ सामाजिक संगठनों ने उनके समर्थन में जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया था। साथ ही खबर प्रसारित करने से पूर्व अधिवक्ता साथियों की ओर से भी एक अपील जारी करने के लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा से भी बात की गई तो उन्होंने प्रसादी में होने की बात कहते हुए शाम को मिलने के लिए कहा था, लेकिन शाम को मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलने से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अधिवक्ता साथियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद पहले भी उदयपुर न्यूज का कभी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। पिछले 15 सालों से उदयपुर न्यूज शहर में संचालित हो रहा है और न्याय मित्रों के हर आंदोलन और न्याय के लिए उठी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाने में महती भूमिका निभाई है। यह बात भी अच्छी तरह से सभी अधिवक्ता साथी जानते हैं। उदयपुर न्यूज की कोशिश हमेशा से शांति और सौहार्द कैसे बनी रहे और माहौल न बिगड़े की रहती है। वहीं सोमवार को फिर कलेक्ट्रेट पर पुलिस कर्मियों के निलंबन को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर हिमांशु सिंह राजावत हाय हाय के साथ उदयपुर न्यूज चोर हैं जैसे नारे भी लगाए। हालांकि उदयपुर न्यूज के खिलाफ आज तक चोरी का कोई मामला दर्ज नहीं है। उदयपुर न्यूज ने अपनी निष्पक्षता के साथ आज तक काम करते हुए दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े चैनल होने का दर्जा प्राप्त किया है। अपनी बेबाकी को बरकरार रखते हुए हमेशा जनहित के मुद्दों को पूरी शिद्दत के साथ उठाया है, दर्शकों के दिलों पर राज किया है और उनके प्यार को चुराया है और यह काम हमेशा जारी भी रहेगा। आज सर्व समाज का ज्ञापन देने के लिए आए हैं हमारे अधिवक्ता कमले जी सालवी के साथ में। जिस तरह से घटना घटी है तो उसको रॉन्ग साइड में जाके पुलिस वालों ने जो रोक के जो मारपीट हुई है उसका बार एसोसिएशन घोर विरोध करता है। अगर एक अधिवक्ता ही महफूज नहीं है तो आम इंसान कहाँ महफूज होगा। मेरा आपसे ये निवेदन है कि जिस तरह से ये कार्रवाई की 151 की, अगर रॉन्ग साइड में कोई गाड़ी जाती है तो उसकी कार्रवाई क्या एमवी एक्ट में ही होती है, 151 में नहीं होती है। जिस तरह से अवैधानिक तरीके से पूरे रात भर उसको थाने में रखा गया उस कि हम भारत में घोर निंदा करते हैं। और जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से अधिवक्ताओं के लिए जो आ रहा है, मैं ये निवेदन करता हूँ कि जो भी है पूरे मामले की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई कमेंट करे, क्योंकि अधिवक्ता समाज का एक सुदृढ़ अंग है और ये हर तरह से सबकी रक्षा करता है चाहे किसी की भी हो। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस तरह के अनर्गल पोस्ट या कोई भी कमेंट किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं करें, नहीं तो हमें विवश होकर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अधिवक्ता हित सर्वोपरि है और अधिवक्ताओं के सम्मान में कोई भी अपमानजनक बातें कही गई थी तो बार एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगा, उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई करेगा। भाई साहब, अगर वही मीडिया आपका पक्ष लेता हुआ नजर आती और आपके गुणगान करती नजर आती तो इसी तरह से आप आते? ऐसा नहीं है, मीडिया अगर निष्पक्ष है तो हर इंसान को कोई भी न्यूज़ चैनल देखने से साफ जाहिर होता है कि कौन किस तरह से बोल रहा है। आपने जो जो कल जो मीडिया में जो चला है, अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के उस वीडियो को देखें तो उसमें उन्होंने पूरी तफ्तीश कर ली है, कुछ भी नहीं बचा है। मतलब वो पूरी निचोड़ के एक आम जनता में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये गलत है, क्योंकि मीडिया वालों को भी अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। वो समाज में सर्वोपरि है और वो पूरे समाज पूरे देश की आवाज़ होती है, इसलिए किसी भी चीज़ को मीडिया ट्रायल उसको पूरा सोचे समझे और फिर ही मीडिया में। आप लोगों ने तो नहीं दिया किसी ने,
एक ही मीडिया चैनल ने क्यों दिया है। तो मेरा अनुरोध है, जिन्होंने दिया उनसे भी अनुरोध है कि वो आगे से ऐसी कोई कार्रवाई ऐसा कुछ नहीं करे, नहीं तो अधिवक्ता समुदाय को अपमानित करने के लिए अगर कुछ किया गया तो अधिवक्ता चुप नहीं बैठेगा। 20 अगस्त को जो अधिवक्ता कमलेश जी सारे जो हैं उनके साथ जो प्रतापनगर पुलिस थाना के CI हिमांशु सिंह जी और लाल सिंह जी और अन्य जो पुलिसकर्मियों ने जिस प्रकार दुर्व्यवहार किया और थाने में ले जाकर उसका आई कार्ड देखने के बाद जातिगत अपमानित किया, बड़ा दुखद है और उससे तमाम अधिवक्ता समुदाय काफी आक्रोशित है और उसको लेकर अधिवक्ताओं ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया, उस पर FIR दर्ज हुई और उस FIR के बाद हिमांशु सिंह जी ने अपनी जाति और अपने जाति संगठन को उकसा कर जिस प्रकार धरना प्रदर्शन करवा कर यहाँ ज्ञापन दिलाया गया और इस मीडिया के साथ जो उन्होंने गलत कमेंट्स किए, मतलब उन अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए थे मीडिया के माध्यम से, एक मीडिया है उसके माध्यम से, लेकिन जो सच्चाई है वो जांच में सामने आ जाएगी। आज तमाम सर्व समाज उसके साथ में SC ST के तमाम सामाजिक संगठन और हमारे संपूर्ण अधिवक्ता समुदाय और हमारे अध्यक्ष जी आज तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और इसकी निष्पक्ष जांच करने CI हिमांशु सिंह जी और नामजद FIR में नामजद पुलिसकर्मी उनको प्रकाश करने और विभागीय कार्रवाई करने और उदयपुर जिले और संभाग से बाहर तैनात करने की, तत्काल तैनात करने की मांग की गई है। हम अभी एडिशनल कलेक्टर साहब से मिले हैं और एक IG साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है, IG साहब के नाम से CD SP और मुख्यमंत्री को जब हमने ज्ञापन दिया उसमें प्रमुख रूप से 3 मांगे हैं, जो नामजद FIR उसमें निष्पक्ष जांच की जाए, उसमें जो नामजद आरोपी हैं उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और जिले से बात किया जाए और साथ में उनके साथ विभागीय कार्रवाई और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए और तमाम जो साथी आए सभी मीडिया कर्मियों का, मीडिया से हमें आशा है कि मीडिया हमेशा निष्पक्ष न्यूज चलाती है लेकिन एक तथाकथित मीडिया एक पक्षी जो न्यूज चलाई उससे भी हमारे अधिवक्ता और तमाम समुदाय में भारी आक्रोश है क्योंकि मीडिया हमारी आवाज़ बनता है और उनको निष्पक्ष आवाज़ आम जनता तक पहुँचानी होती है लेकिन एक तथाकथित मीडिया वो किसी के बहकाव में या उनकी सांठगांठ से एक तरफा उन्होंने डिसीजन ही दे दिया और उसकी हम घोर निंदा करते हैं और आप सभी मीडिया कर्मी जो यहाँ पधारे आपका आभार धन्यवाद और आप निष्पक्ष खबर चलाएं, इसी आशा के साथ धन्यवाद।